निमेश दस चष्ट चकुष्ट त्रिशांत कला मुहूर्त स्यार हरंत तू तबता। इस श्लोक के अनुसार 18 निमेश एक कष्टा के बराबर होता है, 20 कष्टा एक कला का बराबर होता है, 30 कला का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन और रात होता है। इन 30 मुहूर्त में से सबसे चमत्कारी मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, चमत्कारी पल या फिर अमृत बेला को माना जाता है। सूर्य उदय के ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले के समय को रहस्य समय और चमत्कारी समय माना जाता है। अगर कोई भी इंसान इसे इस्तेमाल करना सीख गया तो अपने जीवन में आई ऐसी बदलाव को देखेगा जिसे देखकर वो खुद दंग रह जाएगा। यहाँ तक कि मनुष्य स्मृति में महर्षि मानु ने भी कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगर इतना बड़ा महर्षि इतना कठिन वेदों का अध्ययन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय बताया तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर होगा। जैसे कि आपने देखा कि दिन और रात मिलकर 30 मुहूर्त बनता है। रुद्र अहि मित्र पित्र वसु बरा विशुदेव बीज सदामुखी पुरुहता वाहिनी नकतंकर वरुण हरियामा भाग गिरीसा अचपत अहिर विधुमा उसिया अश्वानी यम यज्ञ विधात्री कंड अदिति जीव विष्णु यमुदूति ब्रह्मा और समुद्र। और इनमें से हर एक मुहूर्त 48 मिनट तक ही चलता है। सूर्य उदय के पहले 2 मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त और उसके बाद समुद्र मुहूर्त। और आज के इस वीडियो में मैं इस 2 मुहूर्त के ही बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मांड के समय यानी कि ब्रह्मा का समय। इस समय पूरे यूनिवर्स में ऐसी ऐसी शक्ति घूमती है, ऐसे ऐसे चमत्कारी शक्ति घूमते हैं जिसे आप अगर इस्तेमाल करना सीख गए तो आप ब्रह्मांड से कुछ भी मांग सकते हो और ब्रह्मांड आपको वो चीज देगा। हाँ दोस्तों, मैं कुछ भी हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो बहुत ज्यादा रहस्यमय है। ये चीज सुनकर लोग मोटिवेट होकर प्लान बनाने चला गया होगा कि कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है। जैसे ये सबके लिए अच्छा साबित हो सकता है, वैसे ही ये सबके लिए बुरे भी साबित हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सूर्य उदय के ठीक 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त का स्टार्टिंग होता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है, लेकिन अगर आपको इसका एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो आपको कोई सा भी एक सर्च इंजिन यानी कि गूगल पर जाके सर्च करना है कि आपके उस एरिया में आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सूर्य उदय का टाइम क्या है। चलो मैं मानता हूँ कि सूर्य उदय के टाइम 4:45 में होता है, तो उस समय से आपको 96 मिनट तक सब्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए, तो जो टाइम आएगा वही होगा ब्रह्म मुहूर्त का स्टार्टिंग टाइम। और ये टाइम से लेकर अगले 48 मिनट तक होगा ब्रह्म मुहूर्त के समय। ये तो हो गया ब्रह्म मुहूर्त का स्टार्टिंग और एंडिंग। अब हम जानते हैं ऐसा कौन सा चीज है जो सारे मुहूर्त से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। नंबर 1, पावरफुल एनर्जी। हमारे बॉडी में टोटल 72,000 नाड़ियां हैं और शिव संहित में इस नंबर को बढ़ाकर 3.5 लाख नाड़ियों के बात होते हैं। पर इनमें से सबसे शक्तिशाली नाड़ी है ईरा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। और एक सामान्य मनुष्य के अंदर ईरा और पिंगला नाड़ी एक्टिव होता है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने उंगली को नाक के नीचे रखिए और देखिए नाक के कौन सी क्षेत्र से ज्यादा हवा पास हो रहा है। 99% से भी ज्यादा लोगों का किसी एक क्षेत्र से ज्यादा सांस निकल रहा होगा, या तो लेफ्ट वाले या फिर राइट वाले। बहुत कम टाइम ऐसा होगा जिसमें आपके नाक के दोनों क्षेत्र से एक समान सांस निकलता होगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपके दोनों ईरा और पिंगला दोनों ही नाड़ी एक्टिवेट हो जाता है। और ये हमारे कुंडलन शक्ति को जागृत करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप जब ब्रह्म मुहूर्त पर मेडिटेशन करते हो तो आपके सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाता है और ये हमारे मूलधार चक्र से होते हुए सहस्त्र चक्र पर बहने लगता है। इसीलिए साधु और योगी ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान करता है। ईरा और पिंगला एक साथ एक्टिवेट होना कुंडलन शक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी गुरु के उपस्थिति पर कुंडलन शक्ति को जागृत करें, अन्यथा आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। नंबर 2, सिरकोडियम रिदम। हमारे ये पूरा पृथ्वी और हमारे ये सारी पंच महाभूत का मेल से बड़ा है। आकाश वायु जल अग्नि और धरती इन्हीं 5 तत्वों के मेल से ही हमारे बॉडी के 3 मुख्य दोषों का निर्माण होता है, जिसे त्रिदोषा भी कहा जाता है, वात पित्त और कफ। और इन 3 दोषों में सबसे इम्पोर्टेंट दोष है वात दोष। इसलिए हमारे शरीर पर वात दोष असंतुलित हो जाने से हमें कोई भी काम में कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस नहीं कर पाते हैं। हमें एंजाइटी डर लोनलीनेस फील होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे शरीर में सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच वात दोष का लेवल सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इस समय पर हमारे कॉन्सेंट्रेट फोकस क्रिएटिविटी का लेवल हाई होता है। इसलिए इस समय हमें ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और इस समय हमारे वात दोष का संतुलन भी बना रहता है। नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरीके से हम और हमारे ब्रेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक उसी तरह हम और हमारे ब्रह्मांड एक साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप प्राकृतिक नियम पर चलते हो तो ब्रह्मांड आपको हर वो चीज देगा जो आप चाहते हो। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अगर कोई भी थॉट या फिर विचार ब्रह्मांड को दोगे तो ब्रह्मांड उस थॉट को रियल लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए उतना ही कम समय लेगा। आप ही सोचो, अगर
आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हो जिसके बीच बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप तो पॉइंट बी पर पहुंच जाओगे लेकिन बहुत लेट होगा। वहीं पर अगर आप पॉइंट सी से डी तक जाना चाहते हो जिसके बीच बहुत कम ट्रैफिक है, तो पॉइंट डी तक जाने में आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय सब लोग सोए हुए होते हैं और इस समय ब्रह्मांड में ना के बराबर विचार होते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर कोई भी थॉट या फिर विचार ब्रह्मांड तक पहुंचाओगे तो रियल लाइफ में वो थॉट ब्रह्मांड उतना ही जल्दी कर देगा। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारे चीज है जो इस 48 मिनट मुहूर्त को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है, जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति। क्या आपको पता है कि हमारे रातें 4 कालों में डिवाइड होते हैं? एग्जांपल, अगर सूर्यास्त 6 बजे को होती है, 6 से 9 बजे तक रुद्र काल होती है। इस समय हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे तक राक्षस समय होता है, इस समय हमें कभी भी जागना नहीं चाहिए। और 12 से 3 बजे गंधर्व काल होता है, जब हम सबसे गहरी नींद में होते हैं। 3 से 6 बजे तक मनोहर काल, जिस समय हमें हर हालात में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होता है और ये वही एनर्जी है जो ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश कर पाता है, और वहीं पर अगर हम उठकर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ये ब्रह्मांड बहुत अधिक मात्रा में हमारे बॉडी पर कॉस्मिक एनर्जी देता है। आपको कुछ ही दिनों के अंदर महसूस होने लग जाएगा कि कॉन्सेंट्रेट फोकस करने की क्षमता पहले से पीक पर है। इतने सारे चीज बताने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके फायदा गिनवाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी चाहते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा किया गया है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो इनका फायदा। आज के सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड ने हमारे पूरे संस्कृत को खा चुका है। जिस समय हमें सोना चाहिए उस समय हम डिनर करते हैं, जिस समय हमें उठना चाहिए उस समय हम सोते हैं। अगर आप फिर भी ब्रह्म मुहूर्त पर उठ जाते हो तो इस समय सबसे पहले फ्रेश होकर मेडिटेशन कर सकते हो या फिर पूजा या फिर कोई भी स्पिरिचुअल चीज कर सकते हो। इसके बाद आप एफिर्मेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे सिद्धांतों पर काम कर सकते हो। ये ऐसी समय है जो आपको अपने बारे में बताता है। इस समय आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। इस समय का उपयोग करके आप अपने आप को और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हो। यही होता है सेल्फ क्रिएशन का समय। ध्यान रखना, इस समय प्लानिंग का कोई भी काम मत करना। इसके अगले वाले मुहूर्त यानी कि समुद्रम मुहूर्त, इस समय आपको प्लानिंग करना चाहिए। आपको कभी भी ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। इस समय आपको किसी ड्राइवर या फिर किसी से भी झगड़ना नहीं चाहिए। इस समय ब्रेकफास्ट ना करें। इस समय कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें। ऐसा करने से यह समय ब्रह्म मुहूर्त ना रह के कोई और ही मुहूर्त बन जाएगा। कई लोगों का मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर फिर सो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा करना निषेध माना जाता है। इससे हमारे त्रिदोषा के बैलेंस बिगड़ता है। सब तो हो गया लेकिन ब्रह्म मुहूर्त पर उठे कैसे? सबसे पहले आप ये समझे कि अगर आप लेट से सोकर उठते हैं तो आप अचानक से ब्रह्म मुहूर्त पर उठने का कोशिश मत करना। इससे आपका हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर आप उठ भी जाते हैं तो आपको पूरा दिन थकान, लेजीनेस एक्सेट्रा महसूस होगा। इसीलिए आप अपने टाइम लाइन को धीरे धीरे चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 8 बजे सोकर उठते हो तो अगले दिन आप 7:30 बजे उठे, फिर 3 से 4 दिन तक आपको 7 बजे उठना पड़ेगा, फिर 6:30 बजे। ऐसे आपको प्रैक्टिस कर करके ब्रह्म मुहूर्त पर उठना पड़ेगा। अचानक से टाइम पर जंप मत करना। इसके बावजूद भी अगर आप सुबह को नहीं उठ पाते हो तो बता देना, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए कुछ नॉर्मल टिप्स। सबसे पहले, जब भी आप सोने जाते हो तो ये नोटिस करना कि उस समय आपके दिमाग में कई सारे इमेजेस आता है, कई सारे बातें आते हैं। आप पूरे दिन कहाँ गए, क्या करा, क्या बोला, ये सब चीज आता है, यानी कि हमेशा आपका दिमाग बोलता रहता है। अगर आप इस इंटरनल म्यूजिक यानी कि बरबराने को बंद कर देते हो तो आप 5 मिनट के अंदर ही सो जाओगे। डेली आपको 9 से 10 बजे के बीच सो जाना पड़ेगा और सोने के 2 घंटे पहले ही आपको डिनर कर लेना होगा। सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हटा दो। स्क्रीन टाइम जितना हो सके कम रखो। पूरे दिन में कम से कम चीज कंज्यूम करो और सोने से पहले मेडिटेशन करो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100। इस वीडियो को बहुत मेहनत करके बनाना पड़ा है आपके लिए, वो भी लेबरी करने के।